हाय फ्रेंड्स, हाइजीन एनल एरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिडेट, जिसको कि प्रोनाउंस किया जाता है बीडे, ये एक स्पेशल सिस्टम है जो टॉयलेट जाने के बाद प्राइवेट पार्ट एनल एरिया को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आप इसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं, पैड ड्राई करते हैं और उसका मॉइस्चर मेंटेन होता है, तो वहाँ पे किसी भी तरह की इरिटेशन या प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एनल एरिया को क्लीन करने के लिए टिश्यू पेपर एक अच्छा मेथड है। टिश्यू पेपर से ही एनल एरिया को क्लीन करना चाहिए, पर इसको स्क्रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्क्रबिंग से स्किन में लेसरेशंस और इंजरीज हो सकती हैं। इसको पैड ड्राई करना चाहिए और हमेशा जो ल्यूकोम वाटर है उससे क्लीन करके इसको पैड ड्राई करना चाहिए। और क्लीनिंग के लिए आप टॉयलेट पेपर, बेबी वाइप्स और वेट वॉश क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि एनल एरिया में इचिंग ना हो, तो हमें एनल एरिया को मॉइस्ट रखना चाहिए, वो पूरा ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस से ही इंजरीज होती हैं जिससे इचिंग होती है। तो हम नॉन मेडिकेटेड जैसे टेलकम पाउडर या कॉर्न स्टार्च को भी एनल एरिया में अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट टू कीप द एरिया ड्राई एंड मेंटेन मॉइस्चर। नॉर्मली हमें एनल एरिया में किसी भी तरह की कोई ऑइंटमेंट अप्लाई नहीं करनी चाहिए, पर अगर हमारा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो हमें एनल एरिया में कोई भी जो टॉपिकल एप्लीकेशन है करनी चाहिए उससे, क्योंकि इचिंग और इरिटेशन कम होती है। पर उसको भी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में लगाना चाहिए और बाद में पैड ड्राई करना चाहिए। एनल एरिया के डिजीज़ में अंडर गारमेंट की सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेफरेबली हमें कॉटन के अंडर गारमेंट पहनने चाहिए, नायलॉन के नहीं, क्योंकि नायलॉन से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। कुछ जनरल प्रिकॉशंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एनल एरिया को साफ रखना चाहिए, टॉयलेट में ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, डाइट में फाइबर ज़्यादा लेनी चाहिए, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करना चाहिए, और टॉयलेट वाली जगह को ज़्यादा रगड़ के साफ नहीं करना चाहिए, उससे वहाँ जख्म हो जाते हैं जिससे बर्निंग रहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।